फ्रेंड्स, रेसिपीज मेड इजी बाय साधना और साधना थॉमस रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी के वड़े। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप इन्हें टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पत्ता गोभी के वड़े बनाना। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पत्ता गोभी के वड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिया है। डाल देते अब उसमें डालेंगे 1/2 कप बेसन, और बेसन लगा तो और डालेंगे बाइंडिंग के लिए। अब उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी, दो चम्मच चावल का आटा, चावल के आटे से हमारे वड़े कुरकुरे बनते हैं। अब उसमें डालेंगे 4 लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक, तीनों को साथ में क्रश कर लिया है वो डालेंगे। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हींग डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच तिल। अब उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 कटा हुआ हरा धनिया डालने से गोभी की जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी। अब लास्ट में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गोभी में मॉइस्चर होता है तो हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से पानी नहीं डालना पड़ेगा। बच्चे गोभी खाना पसंद नहीं करते तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और थोड़ा बेसन डालेंगे। हमने 1/2 कप बेसन पहले लिया है, अब 3 चम्मच बेसन लेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसमें ज्यादा बेसन नहीं डालना है, इस तरह का गोला बन जाए, इस टाइप की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ऊपर से थोड़ा ऑयल डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप चाहे तो इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। प्लेट को ऑयल से ग्रीस करेंगे। हमारा डो रेडी है। तेल लगाएंगे हाथों में, इसमें से 1 पोर्शन लेंगे। इस शेप में हम इसके वड़े बनाएंगे। रख देते। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। यहाँ पे मैंने इडली कुकर रखा है, उसमें पानी डाला है। अब उसमें रखेंगे प्लेट। अब हम इन्हें 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे पत्ता गोभी के वड़े अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। टूथपिक से चेक करेंगे, टूथपिक क्लीन आई, मतलब हमारे वड़े स्टीम हो चुके हैं। अब हम इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद उसे कट करेंगे। हमारे गोभी के वड़े ठंडे हो चुके, अब हम इसे कट करेंगे।
इस तरह से बाकी के वड़े कट करेंगे। सभी वड़े कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इन्हें तल लेंगे। आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम करेंगे डीप फ्राई। मैंने यहाँ पे पैन में तेल गर्म किया है, अब उसमें डालेंगे गोभी वड़े। इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तल लेना है। गोभी वड़ा का परफेक्ट कलर आया है, निकाल लेते हैं।